नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल जेके स्टूडेंट बन देसी यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में बात करेंगे सेट नंबर थ्री के बारे में आपको बता दें कि ये हमारा तीसरा सेट है जेके पी साथ में एसएससी या आर्मी के एग्जाम की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जेके एस एस उनके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको बता दें कि ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो में आपको हम चार से पांच मिनट्स का वीडियो रहेगा हमने दो सेट ऑलरेडी डाल दी है अगर आपने वो सेट नहीं देखे हैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करें आपको सारी वीडियो देखने को मिलेगी अब ये तीसरी वीडियो है हम डेली एक वीडियो डालते हैं और आपको बता कि इस वीडियो में में आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में बताएंगे जो काफी बढ़िया और इंटरेस्टेड आप लोगों के लिए टॉपिक हो सकता है ये टॉपिक में से आपको कोई कोई ना कोई ना क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है चाहे आप कोई भी एग्जाम देखने को जाओ बाकी देखो कई बार आता है कई बार नहीं आता बट आपको पता होना चाहिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है यू एन ओ की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जे एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें पूरे वर्ल्ड के जो आपको बता दें कि जिस तरह से इंडिया का जो मेन हेड क्वार्टर दिल्ली है तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड का हेड क्वार्टर जो है वो यूनाइटेड नेशन है ठीक है इसमें सारी कंट्री ऐड होती है यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है फार्मेशन कब हुई थी उन्नीस सौ पैंताली में उन्नीस सौ पैंतालीस में आपको बता दी कि सेकंड वर्ल्ड बार जब स्टार्ट हुआ था, एंड हुआ था खत्म हुआ था सेकंड वर्ल्ड बार उन्नीस सौ उनतालीस से उन्नीस सौ पैंतालीस के बीच में चला था जब पैंताली में खत्म हुआ था हिरोशिमा और नागस्ट

तो इसके हैं सिक्स एक है जी ए जनरल असेंबली दूसरा एस सी सिक्योरिटी काउंसिल तीसरा इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ सिक्योरिटी जहाँ पर आई सी इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और जहाँ पर जू एन सेक्रट्रेट वगैरह ठीक है जी हम आपको बाद एक्सप्लेन करते हैं आगे जाके पहले कितने सिक्स प्रिंसिपल आर्गना बस इतने पूछा जाता है इतने डीपली नहीं पूछते बट थोड़ा बहुत बता रहा हूँ ठीक है हेडकोार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है न्यूयॉर्क में ठीक है उसके बाद फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ़ यू एन ओ इंडिया का पहला प्रेजिडेंट कौन बना था यू एन ओ का तो ये वूमैन बनी थी कौन विजे लक्ष्मी ठीक है एट्थ सेशन हुआ था तब उन्नीस सौ तिरुवजा में ठीक है जनरल असेंबली में एट्स एट्स सेशन हुआ था इतना नहीं पूछते बट ये पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट जू की कौन बनी थी तो विजय लक्ष्मी काफ़ी क्वेश्चन निकलते हैं आप ध्यान से सुनिएगा करंट चेयरमैन कौन है जू का तो ये हैट एंट मतलब कि जो चिंटी होती है एंटोनियो गुट गुट्रस्ट ये आपके माइंड में होना चाहिए नाइन्थ जनरल सेक्रेटरी है ये ठीक है दो हज़ार सतारह में इनका जो है वो चेंज हुआ है उसके बाद अभी चेंज नहीं हुआ ठीक है और जू एन ओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन उन्नीस सौ पैंतालीस ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कई बार पूछा जा सकता है कि जू एन ओ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है एक सौ तिरानवे मेंबर है इसके ठीक है एक सौ तिरानवे मेंबर है जो भी कंट्री एक सौ तिरानवे कंट्री हर साल इसकी मीटिंग होती है सितंबर महीने में ठीक है शांति और सिक्योरिटी के लिए और साथ में आपको बता दें कि साउथ सूडन जो है इसमें नया देश जो है ऐड हुआ था दो हज़ार ग्यारह में पहले एक सौ बानवे थे ठीक है दो हज़ार ग्यारह में एक सौ तिरानवे हो गए उसके बाद आपको थोड़े से और टॉपिक बता दें इंडिया ने कब ज्वाइन किया था यू एन ओ छब्बीस जून उन्नीस सौ पैंतालीस में ही ठीक है पांच इसके परमानेंट मेंबर हैं जिनकी बिट्टो पावर है ठीक है पांच इसके परमानेंट मेंबर हैं जिनकी बिट्टो पावर है बिटो पावर मतलब कोई कहीं भी युद्ध हो जाए या जा कोई भी लड़ाई लग जाए जैसे चाइना की लड़ाई लग जाए तो चाइना को कोई परमिशन किसी की नहीं लेनी पड़ती चाइना फ्रांस रशिया जूके और अमरीका एक दो तीन चार पाँच जे पाँच जो देश है जो बिट्टो पावर में है अगर कहीं इनकी लड़ाई शड़ाई हो जाए किसी देश के साथ इनको कोई परमिशन कुछ नहीं जो अपनी मर्जी से अपनी फोर्स सेना छोड़ सकते हैं गोले वगैरह बट हाँ इंडिया जो है वो बिटो पावर में नहीं है इंडिया को अगर लड़ाई भी

छब्बी ऑर्गेनाइजेशन हैं ठीक है, है? जू एन के कितने ऑफिस हैं इंडिया में यूनाइटेड नेशन के कितने ऑफिस हैं छब्बी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है उसके बाद करें पांच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है ये भी आपको कई बार पूछा जाता है अरबिक चाइनीज इंग्लिश स्पेनिश फ्रेंच और रशियन जे इनकी पांच ऑफिशियल लैंग्वेज है जू एन ओ की फाइव भी इसके मेन आर्गन हैं जो मैंने आपको बताया ना पहले स्टार्टिंग में कौन कौन से हैं जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ट्रस्टशिप काउंसिल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जस्ट सिक्योरिटी सेक्ट्रेट छे इसके जो है मेन है ठीक है अर्गना आपको मेन पॉइंट्स बता दिए जो छह आरगन बताया है ना जनरल असेंबली में एक मेंबर आते हैं जो कि हर साल मीटिंग सितंबर में करते हैं और क्वेश्चन क्या रहता है इसमें सिक्योरिटी और फीस के रिलेटेड बात होती है ठीक है शांति कर लेटर की कैसी कैसी कंडीशन फाइलें वगैरह जमा करवानी होती है जनरल असेंबली में सभी देशों को ठीक है अपने अपनी जनरल असेंबली में आ जाइए सिक्योरिटी काउंसिल में कौन से कितने मेंबर हैं पंद्रह मेंबर हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल में जो ही आ गया ना सिक्योरिटी काउंसिल में आते हैं जो बिटो पावर वाले पाँच और दस नॉन परमानेंट वाले इनका जो दस नॉन परमानेंट वाले देश हैं ना इनका दो साल का टेंडर होता है ठीक है दो साल के बाद इनको दोबारा से जो है वो मिलता है सिस्टम नॉन परमानेंट वाला सिस्टम दोबारा से मिलता है इंडिया को तो मिलता ही है इसके साथ साथ कुछ और भी देश हैं ठीक है जो आपको माइंड में रखना है तो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल क्या है जो पंद्रह स्पेशल एजेंसी है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की तो ये इकोनॉमिक वगैरह जू एन मेम्बर स्टेट्स तीन साल का टेंडर होता है इनका भी इकोनॉमिक इनकी आय कितनी है देश की इकनॉमी कितनी है वो सारा फाइलें वगैरह इसमें चेक होती हैं सेकट्रेट की बात करें तो सेकट्रेट जनरल अपॉइंटेड पाँच ईयर के लिए टर्म होती है ये तो जे डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं ठीक है आपका सेकट्रेट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट कौन सी होती है जैसे अपना हाई कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट होता है इसलिए इस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट होता है इसे वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं ठीक है इसमें पंद्रह जज इलेक्ट होते हैं नाइन साल की टर्म होती है एक बार जज वगैरह नाइन साल के बाद चेंज होते हैं इधर ठीक है जी बस यहीं है नीदरलैंड में है इसका ठीक है वर्ल्ड कोर्ट कहाँ पर है नीदरलैंड में कई बार पूछा जाता है इतना बार मैं इतना डीपली आपको बता दिया पर इतना नहीं आपको मेन मेन क्या पूछा जाता है इसमें मेन मेन क्वेश्चन कौन से निकलते हैं कुछ पूछा जाता है जू आप लोगों का डे कब होता है चौबीस अक्टूबर जू एन ओ की फॉर्मेशन उन्नीस सौ पैंतालीस में आप उसके बाद जू एन चैप्टर कितने आर्गन है छः हेडक्वार्टर कहाँ है न्यूयॉर्क में फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनी थी इंडिया की लेडी विजय लक्ष्मी उसके बाद करंट चेयरमैन कौन है अंटोनी तो गोटर्स जू एन ओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कितने मेंबर है एक सौ तिरानवे है उसके बाद आपको बता दें कि इंडिया कब ज्वाइन किया था छब्बीस जून जो भी नहीं पूछा जाता कितने परमानेंट मेंबर है पांच नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं आप लोगों के परमानेंट पाँच है और नॉन परमानेंट कितने हैं दस और आपको बता दें कि जी आप लोगों की बता दी मैंने पांच परमानेंट और जो बिटो बावर वाले हैं ऑफिशियल लैंग्वेज याद रखना ठीक है पांच ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी अरबिक चाइनीस इंग्लिश स्पेनिश फ्रेंच रशियन ठीक है फाइव मेन आर्गन बता दिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए गुड नाइट कोई और डाउट्स की रिज जरूर पूछें अगर वीडियो लंबी करनी हो मैक्सिमम हमारे दस मिनट्स की वीडियो रहती है कुछ और क्वेश्चन ऐड कर लें क्वेश्चन हम आई आई पी एल के वाले हैं क्योंकि जो करंट के क्वेश्चन है इन बीच एयर द फर्स्ट एडिशन फर्स्ट आई कब खेला गया था दो में ठीक है दो में पहला आई खेला गया था और इन आई पी कब शुरू हो रहा है बाईस मार्च को ठीक है हाउ मेनी टीम कितनी टीम पार्टिसिपेट करने वाली चौबीस में दस टीमें विच कंपनी कौन सी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है आई को टाटा कंपनी विच प्ले इज़ द ओपनिंग मैच ऑफ आई पी एल रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सिज चेन्नई सुपर किंग का मैच होने वाला ठीक है वर इज द ओपन मैच आई पी एल बी हेल्ड एम ए चंद्रम्बन स्टेडियम चिपुक चेन्नई में होने वाला ठीक है हु इज द कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग एम एस धोनी रहेंगे हाउ मैनी न्यू फ्रेंचिसन एड आई पी एल में कितने किए गए हैं ऐड किए हैं दो हमारे इंस्टाग्राम आई जरूर फॉलो करें जे स्टूडेंट स्टूडेंट बैंस जीरो सिक्स के नाम से उसके बाद हाउ मेनी मैच आर शेड्यूल टू बी प्लेड इन आई पी चौबीस में कितने मैच होंगे चौहत्तर मैच होंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑपरे के साथ अब तक के लिए गुड नाइट दस मिनट्स का वीडियो हो गया ठीक है बाकी यूनाइटेड नेशन अपने माइंड में रख लेना कल के टॉपिक में कुछ और नया टॉपिक ऐड करेंगे बाद में हम आपको बता दें कि जैसे फॉर्म लगना शुरू होंगे जहाँ जेके पी का कोई सिस्टम आ गया तो उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको बताएंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस अभी बिना सिलेबस के ही टॉपिक बता रहे हैं तो ये यू एन ओ वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक था इसका पी डी एफ वैगर आपको चाहिए जो मैं काफ़ी पेज में बना रहा हूँ तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें वाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए छियानवैसी तीसरी शुभुंजा ग्यारह पे मैसेज करें और वन टाइम एंट्री थर्टी पेमेंट करके हमारे ग्रुप में एंट्री करें